खबर लखनऊ से है, जहां प्रियंका गांधी दमन और दीव से चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने के आसार कम है। केंद्र शासित प्रदेश से उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं प्रियंका गांधी, जहां कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी दमन और दीव से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए बिल्कुल मयूरी, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि रायबरेली की बात करी जाए, अमेठी की बात करी जाए, वहां से गांधी परिवार का कोई शीर्ष नेता यानी प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जिस तरीके से देखिए ये सामने आई है कि प्रियंका गांधी दमन और दीव से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चुनाव को हारने का डर, या फिर ये देखा जाए कि वहां पर संख्या बल के आधार पर कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति में है, इसको लेकर देखिए वहां की, वो चाहे जातिगत संख्या की बात करी जाए या फिर अन्य चीजों की बात करी जाए, डाटा को संकलित करने के निर्देश दिए गए। और निर्देश में देखिए ये देखा जाएगा कि वहां पे कांग्रेस का कितना दबदबा है, यानी वहां से उम्मीदवार उनको बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए, इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और डाटा इकट्ठा करने के बाद ये तय होगा कि प्रियंका गांधी दमन से चुनाव लड़ेंगी, दीव से चुनाव लड़ेंगी, और अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं तो फिर रायबरेली से, अमेठी से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। सभी को पता है कि देखिए अमेठी से जहां एक तरफ स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने की जो है वो घोषणा हो चुकी है, उनकी वहां पर अपनी तैयारी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो केंद्र शासित प्रदेश से उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं प्रियंका, ये बड़ी जानकारी है।